राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद के तत्वावधान में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की चारों भाइयों सहित भव्य बारात शोभा यात्रा धूमधाम से बैंड बाजे ढोल नगाड़े नाचते गाते हुए लाजपत नगर मुरादाबाद के रामलीला मैदान से आरंभ होकर मैदान में रोड रोडवेज के पीछे होते हुए लाजपत नगर पुलिस चौकी महबुल्लागंज होकर प्रभात मार्केट रामपुर रोड कटघर कोतवाली के सामने से रस्तोगी इंटर कॉलेज रोड नारायण मंदिर होते हुए वापस रामलीला मैदान पर समाप्त हुई। श्री राम बारात शोभा यात्रा का स्थान स्थान पर फूलों की वर्षा, चारों भाइयों का तिलक एवं माल्यार्पण कर आरती कर भोग प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्रा में श्री राम के कुल गुरु वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, राधा कृष्ण, शिव पार्वती की झांकी शोभा बढ़ा रही थी। लाजपत नगर में असीम अग्रवाल ने महबुल्लागंज में सेनी वाले मंदिर पर प्रभात मार्केट पर महापौर विनोद अग्रवाल, ओम संस राजेश त्रिपाठी परिवार लाजपत नगर में शरद अग्रवाल परिवार नारायण मंदिर एवं पार्षद विवेक शर्मा द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। अनेकों राम भक्त डीजे पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के साथ समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, विनोद सक्सेना, श्याम कृष्ण रस्तोगी, मुकुल बंसल, शरद अग्रवाल, राम कुमार गुप्ता, राजेंद्र अग्रवाल, विवेक शर्मा पार्षद, ठाकुर नरेंद्र सिंह, मनोज व्यास, विपिन जेटली, शमी रस्तोगी, राजेंद्र खन्ना, शिव शरण अग्रवाल, राजेश त्रिपाठी, अतुल अग्रवाल, अविनाश अग्रवाल, जगदीश प्रसाद मंटोलिया, असीम अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल आदि ने भाग लिया। प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर के द्वारा आज राम बारात का भव्य आयोजन किया गया, जिसका जुलूस महबुल्लागंज होते हुए, लाजपत नगर घूमते हुए, प्रभात मार्केट पर होते हुए और वापस अपने प्रस्थान पर आ गया है सफलतापूर्वक। पूरे जुलूस में कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई और इस जुलूस के साथ साथ रामलीला होनी प्रारंभ हो रही है। मैं महामंत्री विनोद सक्सेना सभी महानगर वासियों से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि रामलीला में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने बच्चे को साथ लेकर आए, बच्चों को, ताकि सनातन धर्म के बारे में उन्हें जानकारी हो और वो अपने धर्म को पहचाने, गलत कामों से दूर रहें। पुनः आप लोगों से पुनः यही मेरा प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी रामलीला में अपने समय से पधारा करें। रामलीला ठीक 8 बजे यहाँ प्रारंभ हो जाती है और 11 बजे तक चलती है, कभी कभी 11:30 बजे तक भी चलती है। बहुत बढ़िया वृंदावन की पार्टी के द्वारा बहुत बढ़िया रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, बहुत भव्य और दिव्य रामलीला हो रही है। आप सब लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप सब लोग रामलीला में भगवान राम के दर्शन करके लाभ उठाएं। कोई अपील देना चाहेंगे जनता के लिए? अपील जनता से मेरी यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को सूचना करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रामलीला मैदान में लाने का प्रयास करें। ये भी ईश्वर के प्रति एक उनकी भक्ति होगी। और जनता से क्या कहना है,